मैं भगवानपुर रानीपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम आरती है। हमारे सास ससुर और आस पास पड़ोस के लोग पूरे लोग मिलकर हमको यहाँ से भगाना चाहते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर हमको 3 बार मार चुके लोग और हम थाने पर जा रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं थाने पर गई, मेरा मुकदमा लिखवाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी कॉपी मेरे पास है। थाना बलुआ है। आज मैं गई मुकदमा लिखवाने तो बोले हैं कि आए बड़े साहब। उस पूरे दिन मैं बैठी रही। शाम को साहब आए हैं, बोले हैं कि चलो बैठो अंदर, जेल में तुमको कर दिया जाएगा और नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा कोई, तुम बहुत हरामी हो, तुम्हारा शिकायत हमेशा आती है, तुम फर्जी मुकदमे में सबको फंसाना चाहती हो। उदय प्रताप सिंह उनका नाम है, एसओ बलुआ के रहने वाले, एसओ बलुआ के हैं। हमारी एक भी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हम इतना चोट दिखाए फिर भी मेरी चोट देखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। भगा रहे हैं हमको, तुम यहाँ से भाग जाओ। बिना खाए पिए सुबह ब्रश भी नहीं की हूँ, जाकर थाने पर बैठी हूँ। एक सुबह से बैठाए वहाँ महिला पुलिस भी थी, हमारी एक भी सुनवाई नहीं की। मैं विधवा हूँ, मेरे पास 3 बच्चियाँ हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास एक रास्ता बची है, मैं अपना आत्महत्या कर लूँगी। आत्महत्या के बाद मेरे घर वाले का जिम्मेदारी होगी, बलुआ थाने की जिम्मेदारी होगी, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। दिनेश यादव, मुसाफिर यादव आज जो मारे हैं, उनका नाम है पन्ना लाल, हरजन है, उनके लड़के हैं संजय कुमार। आज 15 अगस्त है, आज ही मुझको इतना मारा गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे बदन पर जितनी चोट पड़ी है। मैं एसपी साहब को भी फ़ोन की, एसपी साहब भी नहीं सुने हैं, नहीं तो कुछ किए हैं। मेरे पास अब कुछ रास्ता नहीं बची है, बस एक ही रास्ता बची है, मैं अपना आत्महत्या करूंगी बच्चियों के साथ। और कुछ भी होगा प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, पूरे पूरे प्रशासन की, और उसके बाद मेरे घर वालों की।